हो जाएगा। ये सब तो स्टार कास्ट है। है ना भाई, विशाल को बोलना, विशाल को नहीं गिरा। चल भाई लगा लगा गोइंग फॉर इट abusive way, but it's important. Not at all abusive, completely logical, totally sarcastic, and ask the questions. It's important. We owe it to our immune rations. Yes. Babe, I have reaction. I've had bodily reaction. You know what I mean? It's like, I feel like kids have given me an opportunity. I have to take it and run. Karanji! Where's Anurag? He's coming. चलिए चलिए चलिए, क्या चाहिए? आप बोलिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे भूत पर्दे पे आने वाले हैं। मुझे सिर्फ अपने पीछे से डर लगता है। दूसरे फिल्म में वाकई डरावने हैं, मेरी पिक्चर फॉर अदर रीजंस स्कैमी। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आई मीन मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जॉनर में काम करने के लिए, और मैं वेरी एक्साइटेड हूँ जो डेट पे ड्रॉप हो रहा है मिडनाइट जनवरी 31st, और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिएक्शंस नाउ। चार निर्देशक और दो निर्माता, गोस्ट स्टोरीज, आई थिंक इंडिविजुअल फिल्मों के बारे में बात करना आई थिंक ज्यादा वक्त लग जाएगा। यही हम कहना चाहते कि हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये एंथोलॉजी का। गोस्ट स्टोरीज जो है ऐसी जॉनर है जो आई थिंक कम्युनिटीज को बहुत अच्छी लगती है, लोग साथ देखते हैं, लोग बहुत साथ इंजॉय करते हैं, डरना सबको अच्छा लगता है स्क्रीन पे, कहीं और नहीं। और आई थिंक दैट वी वेरी एक्साइटेड कि चारों हमारी ये तीसरी फिल्म है और रॉनी और आशी के साथ दूसरी, और यही हमारी, हम तहे दिल से यही चाहते हैं कि ये जो हमारा सफर है एंथोलॉजीज का, ये लगातार चलता रहे। और अभी साल हुआ है 2020, तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट टू द ईयर 2020। नॉर्मली लोग बैंक के साथ साल शुरू करते हैं, हम डर के साथ शुरू करते हैं। ये दिबाकर बताएंगे जी। मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, मुझे डराना अच्छा लगता है, और हमने प्लान किया था कि डरे हुए को और डराओ, तो हमने ये फिल्म बना दी। नमस्कार, थैंक यू, कम कम, वी हैव टू स्टार्ट द मूवी। बोलो कॉफी डर कम से देख लो। हो गया था ना भाई, क्या फिर से चलो आओ, लगाओ लगाओ भाई लगाओ। जानवी जी आइए आइए आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो। बहुत ही वाहियात रहा यार, मतलब इतना पानी निकाला ना दिवाकर बैनर्जी ने, मतलब मैंने गलती किया, इतना मुश्किल काम, इतना मुश्किल काम, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम मैंने किया इस फिल्म, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, फख्र महसूस करता हूँ, लेकिन मतलब फख्र फख्र उर्दू फख्र फख्र महसूस, बहुत ये नोटी है, बहुत नोटी है, बहुत नोटी है जी। First film.
जी ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सुरेखा मैम, विजय वर्मा के जैसे कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत सीख मिली। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है मेरे लिए कि मुझे ज़ोया मैम के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे बेहतरीन निर्देशक है। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई होप कि फिल्म के साथ आप लोग भी खुश रहें। नहीं नहीं, सबसे बेस्ट दिवाकर बनर्जी है। नहीं, मेरे लिए नहीं, सबके लिए दिवाकर। सर फिल्म देखिए ना, शॉर्ट फिल्म है। अगर मैं शॉर्ट में भी बताऊं तो सब कुछ बता दूंगी। सब्सक्राइबर 199 का भी आ गया वैसे। कितना डराने वाले हैं। अभी पहले तो फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली हम हमने किसी ने भी नहीं देखी है एक्सेप्ट जानवी। अरे किसी ने देखी है। बारे में आपको जानवी बताएंगी। जानवी प्लीज बताइए। सर फिल्म एक्चुअली ना शुरू होने वाली है, हमें जाके देखना चाहिए। पता तो चले कि किया क्या है ना। आई थिंक वी शुड गो। बहुत डर लगता है। इस आदमी ने मुझे सेट पर हमेशा ऑन एंड ऑफ सेट बहुत डराया है, सारी आवाज़ें निकाल निकाल के। आई वॉज वेरी स्केयर्ड टू शूट दिस सीरीज फर्स्ट टाइम, इवन स्केयर्ड टू वॉच इट राइट नाउ। अभी तो मुझे खुद से भी डर लगता है। सर सबसे ज़्यादा आपसे लगता है सर, सच्चाई बताइए। यहाँ पे आते ही मुझे सबसे ज़्यादा घबराहट होती है, सबसे ज़्यादा डर लगता है। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, पता नहीं क्या सवाल पूछ रहे हैं। Merry Christmas, Happy New Year. और हमारा शो देखिए और चीखिए चिल्लाइए और बेड के नीचे छुप जाइए। सर हम अभी फिल्म देख सकते हैं? देख सकते हैं, हमने देखा नहीं कुछ भी। रोमांटिक? लास्ट टाइम भी हमने यही पूछा था, नहीं है रोमांस जिंदगी में। नहीं वो एक्चुअली वो सत्संग पे जा रही है। हम सब साथ में जाएंगे। बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय। आराम से, नहीं नहीं छोड़ना है। इस लोग आगे ले, आगे ले, आगे ले, बस मैम यहाँ